2 दिन हो गए न्यूज पे सिर्फ एक ही चीज सुनने को आ रही, नसरुद्दीन को डर लग रहा। अरे जब डर लग रहा तो क्यों नहीं पाकिस्तान जाता, इस भारत में क्या करेगा तू रह के? और तेरी तरह के गद्दारों की इस देश को आवश्यकता नहीं है। और नसरुद्दीन एक बात बता मुझे, जब भारत देश के अंदर 1992 में मुंबई में हमला हुआ उस दिन कहां था तू? मुंबई में आतंकवादियों ने हमला करा 26/11 का, जब कहां था? जब नहीं डर लग रहा था? जम्मू कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हो रहा, जब डर नहीं लग रहा था? आज तुम्हें डर लग रहा, तुम गद्दार हो, इस देश से निकल कर चले जाओ। और तुम्हारे जैसे गद्दार आदमी का इस देश में कोई काम नहीं। और जो भी नवाज इसकी नसरुद्दीन की जीभ काट कर देगा उसे मैं 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा। आपका भाई ठाकुर मोनू कुर्तल, यह बात आप सबसे कह रहा, ऐसे गद्दार आदमी का इस देश में काम नहीं। जो यहाँ का माहौल खराब करने का काम करता हो, ऐसे आदमी को इस देश में रहने का क्या अधिकार है? अपना पाकिस्तान जाओ। लग रहा कि नसीमुद्दीन को जो है डर लग रहा, और मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ, वही वीडियो थी मेरी जब वहाँ मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ 1992 में, जब क्या उन्हें डर नहीं लगा? उसके बाद मुंबई में घटना हुई वो ताज होटल वाली, जब उन्हें डर नहीं लगा? और उससे पहले भी यहाँ से अपना जम्मू कश्मीर से पलायन हुआ हिंदुओं का, जब भी उसे डर नहीं लगा? तो ऐसे आदमी को तो भारत देश में रहने की जरूरत ही नहीं है, अपना पाकिस्तान चला जा, क्या आपने करेगा? आपने एक बयान में आप एक भी कहा है कि जो भी नसीमुद्दीन शाह की जीभ काट कर ला के देगा उसे इनाम मिलेगा 5 लाख का। हाँ मैंने ये दिया है।